तो देखा आपने ये वीडियो, वीडियो देखकर आपके भी मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये महिला फूट फूट कर क्यों रो रही है और दूसरी महिला कैसे उसको बोलने से रोक रही है, आखिर ऐसा ये क्यों कर रही है। महिला प्रताड़ना के आप सभी ने कई मामले सुने होंगे, देखे भी ज़रूर होंगे, जहां महिला को प्रताड़ित किया जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला को इतना परेशान किया गया कि वो बिना देखे कि वो कहां खड़ी है वो रोने लगी और रोते रोते अपनी परेशानी बताने लगी। लेकिन ये कोई आम महिला नहीं है, ये चाकसू पंचायत समिति की BDO है। दरअसल ये नज़ारा है जयपुर जिला परिषद का। जयपुर जिला परिषद की बुधवार को हुई बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला। चाकसू पंचायत समिति की प्रधान के पति की प्रताड़ना से परेशान वहां की BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कृष्णा महेश्वरी भरे सदन में फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने सदन में जिला परिषद CEO से अपना ट्रांसफर कराने की मांग कर दी। जिला प्रमुख रमा देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जब चाकसू पंचायत समिति की BDO को उनके क्षेत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। कृष्णा ने चाकसू प्रधान उंगता चौधरी के पति बद्री नारायण चौधरी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उंगता चौधरी का पति दफ्तर में आकर कर्मचारियों से गाली गलौज करता है, महिला कर्मचारियों पर कॉमेंट करता है, स्टाफ को धमकाता है और ऑफिस में एक एक कमरे में जाकर फाइलों को बिना पूछे देखने लगता है, फाइलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। BDO ने कहा, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं मानसिक तनाव में आ गई। इसी तनाव के चलते मुझे 2 महीने की छुट्टी लेकर जाना पड़ा। इस बीच मैंने ट्रांसफ़र की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ तो वापस ज्वाइन करना पड़ा। ये कहते हुए BDO रोने लगी और रोते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इतने में दूसरी महिला साथी ने उन्हें संभाला। संभालने वाली महिला अधिकारी ने जिला प्रमुख से पंचायतों में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग भी की। BDO के आरोप पर चाकसू प्रधान उंगता चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि BDO हमें अनपढ़ गवार कहती है और बात बात पर धमकाती है। उन्होंने BDO पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर जिला प्रमुख रमा देवी ने कहा कि उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है जो दोनों के आरोपों की जांच करेगी। अब देखना ये होगा कि इस आरोपों की जंग में कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।